नमस्कार, शहर शहर गांव गांव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात जयपुर की। आयकर विभाग ने कालेधन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। इन कार्रवाइयों में कई हवाला का व्यापार करने वालों के यहां भी छापा मारा गया है। बड़ी बात यह कि इन कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई रिटायर्ड बैंक मैनेजर के यहां की गई और बताया यह भी जा रहा है कि यह शख्स भी हवाला के कारोबार में लिप्त था। जानकारी के मुताबिक पीडी बंगड़ नाम के इस शख्स का एक मकान जेपी फाटक में है और एक मकान महावीर नगर में। आयकर विभाग की टीम दोनों ही मकानों पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जयपुर के चौड़ा रास्ता समेत कई और इलाकों में एक साथ आयकर विभाग ने दबिश दी है। माना यह जा रहा है कि यह कार्रवाई कल तक चलेगी और इसके बाद ही कोई खुलासा होगा। देश में पैदा हो रहे काले धन के खिलाफ एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग ने अपना शिकंजा कसा है और इस शिकंजे को कसते हुए लगभग 29 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। इनमें से एक कार्रवाई यहां पर जेपी फाटक में चल रही है, जो पीरी बांगड़ के घर पर चल रही है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये रिटायर्ड आरबीआई मैनेजर थे और पूरी तरह से हवाले के कारोबार में ये एंगेज थे। इस तरह के और भी कारोबारियों पर कार्रवाई चल रही है, एक कार्रवाई चौड़ा रास्ता पर भी चल रही है। इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ टीमें भेजकर 29 ठिकानों पर कार्रवाई की है। काले धन के खिलाफ सरकार का ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। कैमरा प्रमुख इसके साथ वरुण भंसाली, जी मीडिया जयपुर। और अब बात सीएम की क्लास की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंत्रियों की क्लास ली। इस मौके पर सीएम राजे ने कहा कि सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और संगठन मजबूत करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखे जाने पर भी जोर दिया जाएगा। और दौर में हमारी कोशिश यह रहेगी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किस तरीके से हो और साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव इंप्रूवमेंट किस तरीके से हो और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से मिल के और अपने इस क्षेत्र को किस तरीके से बढ़ावा दे सके, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम किस तरीके से बढ़ा सकें, उसका ध्यान रखते हुए हम लोग ये सब इश्यूज पर ध्यान देंगे। और अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 3 मार्च से यह परीक्षा शुरू होगी, आखिरी पेपर होगा 29 मार्च को। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को बोर्ड ने इस बार राहत दी है। बता दें कि यह पहला मौका है जब बोर्ड ने इस तरीके से फैसला लिया हो। 17 मार्च को विज्ञान वर्ग की परीक्षा खत्म हो जाएगी और इसके बाद होने वाली अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी तैयारी कर सकेंगे। इधर ब्यावर फर्जी सेक्स रैकेट मामले में जी राजस्थान न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीआईडी ने अदालत में एफआईआर पेश कर दी है। इधर अदालत ने सख्त रुख दिखाते हुए सवाल पूछा कि पहले मामले के शिकायतकर्ता एडिशनल एसपी विनीत बंसल को पेश किया जाए। बता दें कि अदालत ने ये भी पूछा कि जब मामला फर्जी था तो आखिर निर्दोषों को जेल क्यों भेजा गया। इधर इस पूरे मामले में सीआईडी को फिर से एफआईआर पेश करनी होगी। और अब बात बीकानेर की करेंगे, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान काफी हंगामा हुआ। इस हंगामे के दौरान आम लोग पुलिस से उलझे। पुलिस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कार्रवाई से गुस्सा आए लोगों ने जेसीबी के शीशे तक तोड़ डाले। बात उदयपुर की करेंगे, जहां से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। 1 करोड़पति पिता ने अपने बेटे के खिलाफ ऐसा फरमान सुनाया कि उनको उनके फर्ज से महरूम कर दिया।
वाकया वसीयत से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोने चांदी के मशहूर व्यापारी माधवलाल ने लिखा है कि बेटे अर्थी को कंधा नहीं देंगे। अर्थी को कंधा देने की इजाजत सिर्फ दामाद और बेटियों को मिली। जब बेटियों ने बाप की अर्थी को कंधा दिया तो माहौल जज्बाती हो गया। शव के अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस भी मशक्कत करती दिखी। इधर प्रतापगढ़ में मौत आने के डर से एक परिवार के 50 से ज्यादा लोग गांव छोड़कर भाग निकले। अरनोद थाना इलाके के लालगढ़ इलाके में 26 दिसंबर को एक बुजुर्ग महिला भूलीबाई का पैर और गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का मकसद भूलीबाई के गहने लूटना था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों कारूलाल, श्यामलाल और राजमल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सरगना कारूलाल का परिवार घर बार छोड़कर भाग निकला। इस मामले से पर्दा उठने के बाद कारूलाल के परिजनों को डर था कि मृतका के परिवार वाले अब मौताड़ा मांगने लगेंगे। इस डर से कारूलाल के परिजन खेत खलिहान और घरबार छोड़कर भाग निकले। बताते चलें कि मौताड़ा राजस्थान की एक कुप्रथा है, जिसके तहत आरोपी या उसके परिवार से शव के बदले कीमत ली जाती है और यह कीमत लाखों में होती है। इधर प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा आंगनवाड़ी केंद्र की बदहाली देख एडीएम भी चौंक गए। इस आंगनवाड़ी केंद्र में कागज में तो 31 बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान यहां कोई भी नहीं मिला। यहां के रजिस्टर में हर दिन उपस्थिति दर्ज दिखाई जा रही है और इसमें पोषाहार का वितरण भी दिखाया जा रहा है। इधर अधिकारियों ने निरीक्षण किया तो दोपहर के 12 बजे आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारी तो मौजूद थे, लेकिन ना तो एक भी बच्चा मौजूद था और ना ही कोई गर्भवती महिला। केंद्र पर जो 4 बच्चियां खेलती हुई मिली उनका नाम ही दर्ज नहीं था। एडीएम के निरीक्षण से यह साफ हो गया कि प्रतापगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के नाम पर पोषाहार का फर्जीवाड़ा हो रहा है। इधर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया और पुराने शहर इलाके में इन दिनों लाल मुंह वाले बंदरों का आतंक है। इन बंदरों की वजह से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल। आए दिन बंदर किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों में लाल मुंह वाले बंदरों ने 4 लोगों को जख्मी कर दिया। इसके पहले भी सवाईमाधोपुर में बंदरों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। यह एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी मीडिया पर देख सकते हैं। दरअसल सवाईमाधोपुर में लोग लाल मुंह के बंदरों से परेशान हैं। कई लोगों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। बार बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। और अब रुख करेंगे भरतपुर का, जहां के सीएचसी अस्पताल में ड्यूटी नर्सों का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहां प्रसव पीड़ा के दौरान प्रसूता के इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टर तो मौजूद नहीं ही था, लेकिन अस्पताल में मौजूद नर्सों ने भी प्रसूता के इलाज में लापरवाही दिखाई। पहले तो प्रसूता को करीब 1 घंटे का इंतजार करवाया गया, फिर उसे भरतपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन देर रात ही अस्पताल में ही उसका प्रसव हो गया। इस प्रसव के बाद भी डॉक्टरों ने प्रसूता के इलाज में कोताही बरती। इसके बाद परिजनों का तो गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरे में कोई नर्स वर्स कोई नहीं आई, नहीं कोई सुनवाई नहीं है, खड़ी ना हुई इतने इनको बच्चा। सादुल शहर का रुख करेंगे, जहां राम सिंहपुर के रेड बग्गी में एक परिवार से 24 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस से यह ठगी खेत में दबा सोना निकालने का झांसा देकर की गई। इस केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों नत्था सिंह और बग्गा सिंह से 1,15,000 रुपए बरामद किए गए। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस को अभी भी मुख्य आरोपी की तलाश है। इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब रुख करेंगे राजसमंद का, जहां एक झील में मृत अवस्था में पैंथर का शव मिला।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पैंथर रात में झील में पानी पीने पहुंचा था और दलदल में फंसने से उसकी मौत हो गई। इधर सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा, पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया। इधर बारा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जिला समन्वयक देवेंद्र गौड़ की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने बारा और झालावाड़ जिले के आधा दर्जन निजी हॉस्पिटल संचालकों पर हत्या का आरोप लगाया। पीड़ितों के मुताबिक देवेंद्र गौड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर करना चाहते थे, लिहाजा वो आधा दर्जन निजी अस्पताल संचालकों के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, अस्पताल संचालक पीयूष मित्तल और हेमंत गोयल पर भी ये आरोप है कि उन्होंने गौड़ को जान से मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि 27 सितंबर को देवेंद्र गौड़ की एक दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई थी। नाम भावना गौड़ है, मैं देवेंद्र की वाइफ हूँ। मेरे पति का ना एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इन्होंने मर्डर करके उसको एक्सीडेंट का रूप दिया है। इनके साथ ये पीयूष मित्तल और टीटू दोनों साथ थे, इनको खरोंच तक नहीं आई है। और मेरे हस्बैंड की 8 चोटें हैं और मैं हत्या में ये जो इनका फर्जी बड़ा था, भ्रष्टाचार था, उनको उजागर करना चाहते थे। इसी के डर की वजह से इन्होंने इनको मार दिया, मरणावस्था में लाकर इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। घटनाक्रम यह हुआ कि मेरा बेटा है जो क्या नाम से RSBY के कंपनी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, कंपनी का नाम है TAP, उसके अंदर मतलब 2 साल से जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत था बारा और झालावाड़ में। और धीरे धीरे उसको क्या हुआ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जो क्या नाम से इससे राष्ट्र सरकार की जो योजना है उससे जुड़े हुए थे और उनको 30,000 रुपये का एक फ्री इलाज का कार्ड मिलता था। उस कार्ड को ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लेकर के पेशेंट को बुलाते, 100-200 रुपये का उसका इलाज करते, 150 रुपये उसको देते और सीधा मतलब अंगूठा दस्तक करवा करके और उसको क्लिक कर लेते थे। ये घटना जब मेरे बेटे को मालूम पड़ी, मेरे देवेंद्र को मालूम पड़ी, तो उसने उसकी क्लिक करना तैयार कर दिया और वो इसके तहत एक बार वार्निंग देकर उसने छिपाबड़ौद हॉस्पिटल को बंद भी करवा दिया था। उसके बाद दोबारा वो वही काम करने लगा और इसी तरह से ये शाहबाद का जो मतलब हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल का 26 तारीख को उसने क्लिक की थी और 27 को मेरे बेटे के साथ में मतलब इन दुर्घटना का रूप दे करके उसको धोखे से बुला करके और उसका मृत अवस्था के अंदर उसको पहुंचा दिया। उसकी बॉडी के ऊपर कहीं खून का एक कतरा नहीं था, उसकी बॉडी के ऊपर 8 जगह फ्रैक्चर थे। इन लोगों ने MHC नहीं होने दी, इन लोगों ने क्या नाम से पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, दुर्घटना स्थल से गाड़ी इन्होंने सीधी उठा करके नाम शोरूम पहुंचा दिया। हमारी रिपोर्ट 4 दिन तक इन्होंने दर्ज नहीं होने दी। यहाँ राज्य सरकारों की ओर से स्कूलों में 11 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है, लेकिन अलवर में इसके बावजूद निजी स्कूल खुले हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें बुलाया भी जा रहा है। आज नयाबास इलाके में BL पब्लिक स्कूल, राजदीप एकेडमी और मनुमार्ग पर सैन्य स्कूल में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और बच्चों की छुट्टी करवाई। DEO माध्यमिक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शीतकालीन अवकाश 10 जनवरी तक है और अगर कोई स्कूल खोलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। विद्यार्थी परिषद द्वारा जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अपनी मनमानी ढंग से सभी स्कूल इधर लगभग अलवर शहर के अंदर खुली हुई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो कलेक्टर के आदेश हैं उनकी पालना न करने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता अनैतिकता के आधार पर कार्यकर्ता हुआ सभी स्कूलों को बंद करवा रहा है। इधर अलवर के दौलतपुरा गांव में पुराने विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, शव को छिपाने के लिए लाश कुएं में डाल दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाया। इधर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। युवक पर खेत में काम करते वक्त हमला हुआ था, इस वारदात को लेकर लोगों में गुस्सा है। इधर पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इधर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नहर में कटाव हो गया है,
गांव डावला के पास नहर में कटाव हुआ है और करनी जी वितरिका में करीब 40 फीट का यह कटाव साफ दिखता है। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कटाव बांधने के इंतजाम किए। इधर खेतों में पानी भर गया है। बाड़मेर का रुख करेंगे, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रॉले को जब्त किया। पुलिस ने पचपदरा के पास एनएच 112 पर नाकेबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को ट्रॉले से 35 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई। साथ ही ट्रॉले के ड्राइवर को गिरफ्तार करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोटा में चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं रुक रही। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों से चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की हैं। शहर के मकवरा इलाके में यह कार्रवाई की गई। यहां से 125 चरखियां बरामद हुई। निगम की टीम ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे की कुल 425 चरखियां जब्त की। और अब रुख करेंगे जोधपुर का, जहां किसानों ने आज से कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डाला है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय जैविक प्रमुख रतनलाल डागा के नेतृत्व में इस महापड़ाव का आयोजन है। किसानों ने नहर, डार्क जोन, बिजली, सहकारी बीमा और अनुदान सहित 16 मांगों को लेकर महापड़ाव डाला है। भारतीय किसान संघ ने महापड़ाव के दौरान घोषणा की कि अगर आज उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल से महिलाएं और बच्चे भी इस महापड़ाव में शामिल होंगे। तो जोधपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर ये महापड़ाव और आज जहां 25,000 किसान यहां जुटे हैं अपनी 16 अलग अलग मांगों को लेकर, वहीं कल से महिलाएं और बच्चे भी होंगे इस महापड़ाव का हिस्सा। पूरी खबर पर जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता दयाल सिंह से। दयाल, रणनीति साफ कर दी है इन किसानों ने कि कल से उनका पूरा परिवार इस महापड़ाव का हिस्सा बनेगा। नजर लगातार अलग अलग विभागों पर है, सरकार पर है, अभी तक कोई जानकारी, उधर से कोई बातचीत की कोशिश? मैं बताना चाहूंगा श्रोता कि सुबह से जो किसान यहाँ महापड़ाव में बैठे हैं, आगे की रणनीति का उन्होंने खुलासा किया है। साथ ही सरकार की तरफ से जोधपुर संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी की तरफ से प्रस्ताव आया है वार्ता का, और किसानों का एक 10 प्रतिनिधियों का मंडल जो है उनसे बात के लिए गया है और उसकी वो मीटिंग जो है अभी चल रही है। सुनीता, बिल्कुल, किस तरीके से फिलहाल बातचीत चल रही है, कहां पर बातचीत चल रही है और कितना समय लग सकता है फिलहाल दयाल वहां से कुछ जानकारी मिलने में? बिल्कुल दयाल, मैं जानना चाहूंगी, आपने बताया बातचीत के लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल गया है, कितने समय पहले से बातचीत शुरू हुई है और कब तक ये बातचीत हो सकती है, कुछ हल सामने आ सकता है? देखिए सुनीता, 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल है जो जोधपुर की सभी तहसीलें हैं, वहाँ से हर तहसील से एक व्यक्ति गया है और वो अपना पक्ष रखेंगे और वो जो अपनी मांगे हैं वो सरकार को बताएंगे कि ये हमारी मांगे है। जब तक आप ये मांगे मान नहीं लेते तब तक हम, जो हमने ये महापड़ाव शुरू किया है वो हटाने वाले नहीं है। इन मांगों को लेकर वो अभी जो सभी विभाग के अधिकारी है उनके सामने ही अपनी मांगे रखेंगे और उन पर वार्ता करने के बाद ही, अब जब वो प्रतिनिधिमंडल मीटिंग खत्म होने के बाद आएगा उसी बात पता चल पाएगा कि किस तरह की जो उनकी मांगे हैं वो सरकार पूरी करती है या नहीं करती है। जी बिल्कुल दयाल, बेहद महत्वपूर्ण है ये, और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम भीड़ अभी भी देख सकते हैं, काफी अहम है ये समझना कि किस तरीके का दबाव सरकार पर है, यानी कि जो प्रस्ताव आया है वो कहीं ना कहीं अब सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ा चुकी है। उम्मीद भरी नजरों से देख सकते हैं हम इस बातचीत को।
देखिए सुनीता, सरकार ने अपनी ओर से पहल कर दी है, किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है और किसानों का तरफ से भी पहल हुई है, वो भी वार्ता के लिए चले गए हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल भी वार्ता के लिए चला गया है। साथ ही जोधपुर के जितने भी विद्युत विभाग है, सहकारिता विभाग है, सब विभागों के अधिकारी जो है वो भी आ चुके हैं इस मीटिंग में और उनके साथ जो है प्रथम दौर की वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है। सुनीता, बिल्कुल इंतजार करेंगे इस वार्ता के खत्म होने का और उम्मीद यही कि तमाम मांगे किसानों की मान ली जाए। शुक्रिया आपका दयाल, आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर से ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें कि आज जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 25,000 किसानों ने महापड़ाव डाला है। चेतावनी दी थी किसानों ने कि अगर नहर, डार्क जोन, बिजली, सहकारी बीमा और अनुदान सहित उनकी 16 मांगों पर गौर नहीं किया गया तो कल से महिलाएं और बच्चे भी इस महापड़ाव का हिस्सा होंगे। इसी बीच फिलहाल बातचीत चल रही है। महापड़ाव में वार्ता का प्रस्ताव आया था, सरकार की ओर से वार्ता का ये प्रस्ताव भेजा गया। संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी ने यह प्रस्ताव भेजा था और फिलहाल अब बातचीत जारी है 10 किसानों के प्रतिनिधिमंडल से। इधर जयपुर का रुख करेंगे जहां डेकोर इंडिया शो का शुभारंभ आज अमरूदों के बाग में हुआ। शो के मुख्य अतिथि कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव थे। इस 5 दिवसीय शो में कुछ नए इंटीरियर ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। इस शो में कंटेम्प्रेरी इंटीरियर, आर्किटेक्चरल, लाइफस्टाइल और रियलिटी प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन हुआ है। डेकोर इंडिया ने जयपुर में बदलते ट्रेंड्स और इस क्षेत्र में इनोवेटिव मीडियम की शुरुआत की है। इस प्रदर्शनी ने रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए सबसे बड़ा मंच प्रदान किया है।